फिर दोस्तों अगर आप भी अपना ईमेल आईडी कहीं पे भी डाल रहे हैं लेकिन ईमेल आईडी सबमिट करते ही आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ होता है प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। आप तो अपना वैलिड ईमेल डाल रहे हैं सिडल आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय करना। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप भी अपना ओरिजिनल अपना वैलिड ईमेल डाल रहे हैं फिर भी अगर आपको प्लीज एंटर वैलिड ईमेल या वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में बिल्कुल इस प्रॉब्लम को हम 100% फेस करने जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर वन सेटिंग में दोस्तों आपको अपने जीमेल में आ जाना होगा। आने के बाद ऊपर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते ही पर्सनल इन्फो पे आ जाना होगा। पर्सनल इन्फो पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर अपडेट यानी कि लिंक कर देना होगा अपने ईमेल के साथ। दोस्तों अगर ऑलरेडी से आपका नंबर यहाँ पे आपके ईमेल से लिंक है तो बढ़ जाए अब हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर लिंक नहीं है तो आपको अपना नंबर यहाँ पे अपने ईमेल के साथ लिंक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको आ जाना होगा उसी प्रोसेस में उसी सेक्शन में जहाँ पे आप अपना ईमेल डाल रहे। यहाँ पे दोस्तों याद रखना अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई भी आप यहां पे ईमेल डाल रहे हैं अपनी वैलिड ईमेल डालने के साथ साथ आपको यहां पे प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपली से दोस्तों यहां पे क्या करना है आपको अपने कीबोर्ड से यहां पे अपनी ईमेल टाइप कर देनी है। दोस्तों याद रखना देख लीजिएगा यहां पे मेरी ईमेल शो हो गई। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इंटर वैलिड ईमेल दिखाएगा तो आपको यहां पर ध्यान रखना है आपका जो ईमेल आपको लिखना है टाइप करना है वो अपने कीबोर्ड से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको यहां पर टाइप कर देना है लिख देना है। जैसे दोस्तों फर्स्ट से लास्ट तक यहाँ पे अपना ईमेल लिख देंगे अपने कीबोर्ड से। यहाँ पे ध्यान रखना आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा जैसे मैं कीमेल यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ तो नीचे मेरी ईमेल शो हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको जो भी ईमेल डाल देनी है वो आपको पूरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अपने कीबोर्ड से टाइप करके डाल देनी है। जैसे मैं भी अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ईमेल तो यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गई प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल का। तो दोस्तों ऐसे करके आपकी भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। आपको अपने ईमेल को यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप डाउन कर देना है आपको यहाँ पे कीबोर्ड से ईमेल लिख देना है। होप फ्रेंड्स आपकी आज की ट्रिक आपके लिए वर्क कर गई होगी।